अच्छा, जैसे भूपेंद्र हुड्डा साहब का अक्सर जिक्र होता है, तो एक जो जो बात कही जाती है उनके लिए, वो यही कि ये जाट सीएम के तौर पर, मतलब कभी उनके लिए ऐसी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई कि जो जातीय तौर पर बड़ी न्यूट्रल सी रही हो। हम जब आम जनमानस से बात करते हैं तो ज्यादातर लोग यही के बोलते हैं कि इनका इन्होंने एक बयान दिया था, इन्होंने एक बयान दिया था, इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी। तो हम ये जरूर कहें कि भूपेंद्र हुड्डा भी शायद हो सकता है कि अपने कार्यकाल के दौरान खुद को ऐसे पेश करते हुए या पेश किया हो कभी, उसका असर अब तक है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर जो एलिगेशंस लगाती हैं वो तो देखिए अलग बात है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को, जो हरियाणा की राजनीति को समझने वाले लोग हैं, वो कोई कहेगा नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में जाटों के नेता रहे हैं। 2004 में भी आप देखेंगे, जब अगर हुड्डा की पॉलिटिक्स को आप, हुड्डा की पॉलिटिक्स क्या, हुड्डा को अगर मुख्यमंत्री जब बने तब से हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो उस जमाने में भी जो पहला चुनाव भूपेंद्र हुड्डा ने जीता 91 में, वो किसके खिलाफ जीता, देवीलाल के खिलाफ। उस टाइम चौधरी देवीलाल बड़े नेता थे। अब देवीलाल को जो वोट मिले वो कौन से वोट थे, वो देहात के वोट थे, वो किसान और जाट बिरादरी के ज्यादा वोट मिले। इनको कौन सा वोट मिला, जो शहरी इलाके का वोट। 9 में से 7 लोक विधानसभा क्षेत्रों में जो ग्रामीण इलाका है वहां पर देवीलाल जीते, 2 विधानसभा सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा जीते जो कि शहरी थे। तो और शहर में तो उतना ज्यादा किसान जातियां नहीं होती हैं, एक बात। दूसरी बात, जो गैर जाट जातियां गांव में थी उनसे ज्यादा वोट उस टाइम पे कांग्रेस को मिला, क्योंकि जाटों की पार्टी तो मानी जाती थी चौधरी देवीलाल की पार्टी। तो इस वजह से वो पहला चुनाव, उसके बाद उन्होंने 3 चुनाव लोकसभा के और लड़े, वहां से 2004 तक वो सांसद रहे। तो उन उनके खिलाफ जो वोट, उनको जो वोट मिलता था हमेशा, उनके जो शहर रोहतक है उससे एक बड़ी लीड होती थी, बड़ी विक्ट्री के साथ वहां से वो जीतते थे। बाकी अपने गांव से भी भूपेंद्र हुड्डा हारे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र किलोई से भी, किलोई तो शुद्ध ग्रामीण इलाका है, वहां पर भी वो हार जाते थे विधानसभा चुनाव, क्योंकि गांव गांव के अंदर देवीलाल की उस वक्त बहुत बड़ी पकड़ थी। लेकिन शहर में आके वो जीतते थे, उस वक्त चौधरी बंसीलाल ने भी उनकी बड़ी मदद करी थी तो वो चुनाव तब जीतते थे। तो अब तब से जो राजनीति शुरू हुई है, उससे लेके 2004 तक की उन्होंने जितने चुनाव लड़े, एक चुनाव हार गए बाकी सब जीते, तो उन चुनाव में इनकी वोट जो थी वो गैर जाट वोटों की वजह से ही जीते, क्योंकि जाट मतदाता देवीलाल, उसके बाद चौटाला, उन पार्टियों के साथ ही अधिकतर वक्त पर रहे। इसलिए 2004-05 में जब मुख्यमंत्री हुड्डा बने थे तब कोई इनको जाट नेता नहीं कहता था, तब तक जाट नेता के तौर पर ओम प्रकाश चौटाला ही बड़े नेता। उसके बाद 2005 के बाद दूसरा चुनाव हुआ, 2009 में, 10 में जब भी हुआ, 9 में हुआ, तो 2009 में जब चुनाव हुआ तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आईएनएलडी का एक दूसरे के खिलाफत थी। आईएनएलडी को तब भी 31 सीटें मिली और भी कांग्रेस पार्टी जो है वो खिसक के 40 पर आ गई थी, घट गई थी 67 से, तब भी उनको ज्यादा वोट शहरी इलाकों में मिला, बीजेपी क्योंकि कमजोर पार्टी थी, बड़ी पार्टी नहीं थी उस समय। लेकिन 2014 में भी, 14 में भी देखिए आप, 14 में भी आईएनएलडी बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी खिसक गई थी, छोटी पार्टी बनी और बड़ा वोट बैंक आईएनएलडी ने लिया और अभय चौटाला लीडर ऑफ अपोजिशन बने। लेकिन जब 2019 का चुनाव से पहले जेजेपी पार्टी बनी और आईएनएलडी टूटी, तब जो इनका कोर वोटर था उसके पास कोई जगह नहीं बची, जो जाट जिसको वोट कहते हैं, उस जाट वोटर के पास जब कोई जगह कहीं जाने के लिए नहीं बची, क्योंकि वो लोग मूल रूप से बीजेपी के खिलाफ थे, बीजेपी के पक्ष में नहीं जाना चाहते, तब जाके उन्होंने अपने आप को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे खड़ा किया, तब जाकर के उनकी जो पॉलिटिक्स है वो जाट पॉलिटिक्स बननी शुरू हुई। इसके पहले भूपेंद्र हुड्डा का जाटों में बड़े नेता के तौर पर कोई नहीं जानता था, उनको हमेशा शहरी और गैर जाट नेता के तौर पर लोग जानते थे। उनके जो करीबी मित्र हैं उनमें भी आप देखेंगी तो वही लोग ज्यादा हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा शुरुआती दौर में रोहतक के कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, तो वहां पर उनकी जो एक दोस्ती हुई जिन लोगों के साथ, अब वो देखिए वो लोग कौन थे। तो इसलिए भूपेंद्र हुड्डा को जाट नेता कहना, वो मुझे लगता है एनालिसिस के हिसाब से एक सही नहीं होगा। अब उनके मन में क्या था, देखिए वो मन में तो मैं नहीं जानता क्या था कि वो जाटों के सही था कि उनके खिलाफ है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स थी उस पॉलिटिक्स को जो
जनता के सामने आई थी वो मैं आपको बता रहा हूं, उसका यही विश्लेषण मेरे हिसाब से है कि वो कभी जाट नेता नहीं रहे। हाँ, लेकिन जब INLD या JJP खत्म हो गई या कमजोर पार्टियां बन गई तो उनका वोट शिफ्ट कर गया उनके पास, तो अब वो अपने आप जाट नेता बन गए। और BJP जो है वो एक गैर जाट की पॉलिटिक्स करते हुए 10 साल में अपने वोट को कंसोलिडेट करने में काफी कामयाब हुई है, तो इस वजह से और अब उनको जाट नेता कहा जाता। जहां तक रहा बयान की बात, तो उन्होंने अगर ऐसा कोई बयान दिया, मेरे को नहीं पता अगर उन्होंने दिया, मतलब सुना तो मैंने भी है कि ऐसा दिया, लेकिन ऐसा बयान दिया तो जाहिर है वो गलत बयान है, ऐसा बयान तो किसी नेता को नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अगर खट्टर बनते हैं या मुख्यमंत्री हुड्डा बनते हैं और इस तरह के बयान देते हैं, तो देखिए वो तो असंवैधानिक है। कॉन्स्टिट्यूशन तो इस बात की किसी को अख्तियार देता नहीं है कि आप किसी जाति विशेष के बारे में बात करें या किसी धर्म संप्रदाय की बात करें और बाकियों को इग्नोर करने की कोशिश करें। तो इस तरह के बयान, हालांकि खट्टर साहब से भी मेरे ख्याल से एक बार ऐसी गलती हुई थी, उन्होंने भी अपने आप को पंजाबी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया या उन्होंने बोला एक दो अखबार में भी। तो दोनों, मुझे लगता है इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए, और ये अगर हुड्डा ने भी किया तो गलत किया और खट्टर साहब से भी हुआ है तो मुझे लगता गलत, तो ये पॉलिटिक्स नहीं की जानी चाहिए। लेकिन लेकिन जो हरियाणा में हुड्डा है वो वाकई जाटों के नेता के तौर पर बन गए हैं, और उन्होंने लेकिन इसके लिए कोई बहुत ज्यादा संघर्ष किया हुआ ऐसा नहीं है, उनको जाट वोट उनके साथ जुड़ गए, उन्होंने उसके लिए कोई संघर्ष नहीं किया।